सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। आज की सली वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं एक न्यू गेम जिसका नाम है GTA 5। अब यार ये एक ऐसी गेम है जिसके बारे में मेरे को आपको बताने की बिल्कुल भी नीड है नहीं, ठीक है। मेरे को पक्का से बता, आपको इस गेम के बारे में पता ही होगा भाई, इतनी पॉपुलर गेम है भाई, आपको ना बताऊँ मैं ऐसा मान ही नहीं सकता भाई। इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करने नहीं वाला इसका इंट्रोडक्शन देने में, लेकिन फिर भी मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ। बेसिकली यार ये अपनी एक ओपन वर्ल्ड गेम है जिसमें हम अपना क्या कहते हैं अपने मिशंस वगैरह करते हैं, पुलिस वगैरह से हमें बचना होता है एंड बहुत सी भाई इलीगल चीज़ें होती है इसमें, तो हमें बच के रहना होता है लोगों से, ठीक है। बेसिकली यार ये ओपन वर्ल्ड गेम है, बाकी तो मेरे को पता है यार, आपको पता ही होगा, तो मैं अब ज़्यादा वेस्ट टाइम अपना करने नहीं वाला, ठीक है। एंड अभी गाइस ये अपने करेक्टर का घर है एंड इस अपने जो करेक्टर है इसका नाम फ्रैंकलिन है, जिसे नहीं पता मैं बता देता हूँ, ठीक है। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता देता हूँ, अपने जो करेक्टर है उसका नाम फ्रैंकलिन है एंड बस यार इतना ही मेरे को पता है। फ्रैंकलिन एंड माइकल एंड तीसरा पत्नी क्या नाम था, मेरे को कमेंट में बताना, मेरे को याद नहीं है। फ्रैंकलिन माइकल करके होते हैं नाम, ठीक है, मेरे को इन दो को ही पता है, तीसरे को मेरे को अच्छे से नाम याद है नहीं। एंड भाई आप अगर एक चीज़ यहाँ पे देखोगे भाई, देखो तो यहाँ पे गणेश जी की फोटो लग रखी है, देखो भाई यहाँ पे पत्नी ये क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से तो गणेश जी है, अब क्या कहते हैं पत्नी किसी और की लगा रखी है, और भाई देख रहे बाहर भी मतलब ये हमारे इंडियन गॉड्स को माना जाता है यार। ये चीज़ देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। बाय द वे भाई देखो अभी मैं अपने घर से बाहर निकल चुका हूँ एंड गाइस मेरे को आपको एक बात बतानी है भाई, देखो। ओके सो गाइस यार मैं कहता यार अभी ना मेरे पास थोड़ी देर पहले जो है ना मेरे दोस्त का फ़ोन आया था एंड मेरे दोस्त का नाम है सिमियोन, ठीक है। जो मेरे पे उसका फ़ोन आया था एंड वो कहता है यार एक बड़ी जल्दी से मेरी दुकान पे आ जा। अभी यार जिनको नहीं पता सिमियोन कौन है मैं उन्हें बता देता हूँ। तो बेसिकली यार ये जो सिमियोन है ना ये अपने दोस्त, ये अपने जो करेक्टर फ्रैंकलिन है उसका दोस्त है, ठीक है। एंड भाई उसका जो धंधा है उसका उसका ये बेसिकली कार बेचने का धंधा है एंड कार वो जो है चोरी की कार बेचता है भाई, एंड वो जो चोरी है ना वो बेसिकली हमसे करवाता है, ठीक है। तो वो कह रहा था भाई जल्दी से घर पे आ जा मेरे, घर पे नहीं सॉरी दुकान पे आ जा मेरी, ठीक है। उसका उसके पास मेरे लिए एक तगड़ा सा मिशन है, तो अभी जल्दी से चलते हैं। एंड भाई उसके घर पे नहीं, मैं बार घर पे नहीं क्यों बोले जा रहा हूँ, अपना जल्दी से उसकी दुकान पे चलते हैं, ठीक है। एंड बात करके आते हैं भाई क्या सीन है। वो पक्का भाई मेरे को अभी भी यही कहेगा कि भाई चोरी की गाड़ी के कहते हैं मेरे को, क्या कहते हैं अब वो यही कहेगा चोरी की गाड़ी लेकर आ। बेसिकली वो चोरी की गाड़ी मुझसे मंगवाता है एंड मैं उसे ला कर देता हूँ एंड भाई वो उससे क्या कहते हैं बेचता है एंड वो पैसे कमाता है, जो उसे पैसे मिलते हैं वो उसके थोड़े से मेरे को दे देता है, ठीक है। तो बाकी अभी बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से जो है मैं अपने दोस्त के पास चला जाता हूँ, वो मेरे को बड़ी देर से बुला रहा था। मैं गया नहीं, मैं सोचा भैया आप सीधा वीडियो में ही जाऊँगा जब मैं वीडियो बनाने बैठूंगा, तो गाइस अभी जल्दी से चलते हैं। मैंने यहाँ पे मार्क तो लगा दिया है एंड अभी जल्दी से चलते हैं सिमियोन के घर पे एंड बात करके आते हैं कि भाई क्या सीन है। बाकी यार भाई इस गेम के ग्राफिक्स तुम देख रहे हो कितने ही भाई, कितने ही प्यारे ग्राफिक्स है इस गेम्स के भाई, मतलब प्यार हो रहा है भाई इस गेम के से कसम से। जो बंदा पहली बार इसे खेलेगा ना भाई वो तो कम से कम इसे एक दो महीने तक लगातार भी अगर उसे खेलने को मिले ना भाई वो बंदा लगातार खेल लेगा, ठीक है। इतनी तगड़ी गेम है। बाय द वे भाई ये खंबा भाई ये खंबे की ऐसी तैसी भाई मेरी गाड़ी की पिचका दी इसे आगे से, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अभी गाइस जल्दी से जो है ना सिमियोन के पास चलते हैं एंड लेट्स सी कि भाई क्या रहता है। बाकी सिमियोन की शॉप जो है पीछे रह गई, तो मैं पीछे अपनी गाड़ी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे उतर जाते हैं, ठीक है। हाँ क्या जा रहा फालतू बोलेगा, निकल जा बेटा अभी बता दूंगा देखो यहीं पर ही, ठीक है। अभी गाइस जल्दी से चलते हैं सिमियोन से बात करके आते हैं कि क्या सीन है, ठीक है। गाइस यार यहाँ पे जो है ना मेरी सिमियोन से बात हो चुकी है एंड यार ये जो बंदा है ना ये कह रहा है कि भाई मेरे को ना इसने मेरे को बोला कि भाई मेरे को ना इसने एक बंदे की लोकेशन दी है उसके घर की एंड कह रहा है उसके घर में ना एक एक्सयूवी रखी है येलो कलर की, तो तेरे को वो लेकर आनी है, ठीक है। एंड मैंने कहा भैया मेरे को उसके बदले में क्या मिलेगा, तो इसने कहा कि भाई मैं तेरे को उसके जो भी बेचने के बाद बहुत सारे पैसे मिलेंगे मैं तेरे को वो दे दूंगा, ठीक है। तो अभी मेरी इससे इतनी बात हुई है एंड ये कह रहा है कि भाई तुम थोड़ा संभल के जाना क्योंकि यार वो जो बंदा है ना वो थोड़ा माफिया टाइप है एंड यार मेरे को उससे संभल के जाना पड़ेगा। एंड ये क्या बंदा भाई, रुकी हुए तेरी तेरी निकल तेरी बैस, कैसा लग रहा है शराब वराब पी के आ रहा है भाई बंदा कसम से, ऐसे बंदी कैसे चल रहा है भाई कसम से। बाकी अभी गाइस जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठते हैं एंड फटाफट से जो इसे लोकेशन मेरे को गूगल मैप में डाली है ना फटाफट से चलते हैं अपनी उसकी लोकेशन पे। एंड गाइस इसने मेरे को चेतावनी दिया भाई थोड़ा ना संभल के जाना क्योंकि जिस बंदे की हम गाड़ी लेने जा रहे हैं ना भाई बेसिकली वो एक माफिया है कोई, मतलब भाई उसका नाम वाम चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे को संभल के जाना पड़ेगा एंड उसकी बहस का डंडा भी मेरे पे बंदूक होती है भी उड़ा देता मैं इसे। बाकी यहाँ पे जो कोई बाइकर गैंग भी जा रही है एंड मेरे को इनसे संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि यार ये जो बाइकर गैंग है ना इनसे मेरा पहले से बहुत टाइम से अपना मामला पानी सेट नहीं रहता, ठीक है। ये मेरे को कभी ये मेरे को पेलते कभी मैं इनको पेलता हूँ, ठीक है। तो मेरे को अभी लड़ाई चाहिए नहीं क्योंकि मैं अपनी गाड़ी लेने जा रहा हूँ एंड यहाँ से अब हमें यहाँ से इस वाले कट से मोड़ लेते हैं, पिछले वाले कट से मोड़ना था वैसे तो, लेकिन चलो कोई बात नहीं। वो यहाँ पे उसका फोन आ रहा है तो जल्दी से मैं उसे फोन पे बात कर लेता हूँ एंड फिर मैं आपको बता दूँ कि वो क्या कह रहा है।
ओके सो गाइस यार मेरी उससे फोन पे जो है ना बात हो चुकी है, तो भाई वो बंदा ये कह रहा है भाई थोड़ा सा ना यार ट्राई करियो कि गाड़ी ना टूटे ना, गुड कंडीशन में लेकर आई हो। मतलब भाई बंदा चाहता क्या यार ये, एक तो भाई तुम चोरी की गाड़ी दिलवा मतलब लेकर आने की मेरे को फोर्स कर रहा है, ठीक है, और ऊपर से वो टूटे ना ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, चोरी में तो भाई पुलिस वगैरह पीछे पड़ेगी, तो भाई ऑब्वियस सी बात है गाड़ी को थोड़ा बहुत तो डैमेज होगा। बाकी ये कौन सी गाड़ी है भाई, तगड़ी गाड़ी है, लेकिन अभी हमें अपने मिशन पे कायम रहना है, ठीक है। मैं बिल्कुल भी चाहता नहीं भाई अपना मिशन बर्बाद हो। एंड ये घर है क्या मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ये घर लग रहा है, बाकी अभी जल्दी से चलते हैं। एंड भाई आई होप यार वो माफिया अभी अपने घर में ना अपना बार बार जा रखा हो। वैसे एक बार एंटर करूँ, वैसे मेरे को लगता नहीं है गेट खुलेगा। हाँ भाई ऐसे कहाँ ही खुल जाएगा यार गेट, अभी मेरे को कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा घर के अंदर जाने का। भाई बन्नी यार ऐसे गेट यार कैसे खुल जाता वैसे भी। ओके यहाँ पे हमें यहाँ पे जाना है, फाइंड अ वे इनटू द हाउस, ठीक है। तो अगर ये वाला गेट खुल जाए मे बी, तो नहीं भाई लेकिन हम टाप के तो जा सकते हो भाई उसका। ओ शिट, टेक आउट द गार्डनर, एल और कंट्रोल से हम क्या कहते हैं वो हो सकते हैं स्टेल्थ हो सके मतलब थोड़ा, ठीक है। तो इसे आराम आराम से मेरे को एक पीछे से मुक्का मारना है, ये जो अपना घास वगैरह कर रहा है, जल्दी से भाई जल्दी 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 तेरी बैस कर अंडा, ये ले ये ले तेरी ऐसी तैसी, निकल यहाँ से भाई। अभी यहाँ पे मैंने इसको तो ठिकाने लगा दिया है। एंड मेरे को थोड़ा ना गाइस यहाँ पे जो है ना अपना हाउस को देखना पड़ेगा कि यार भाई मैं ना माफिया से पंगे ले रहा हूँ, मेरे को लगता कहीं ना कभी भाई वो मेरे को पकड़ ही लेगा जो भी माफिया है, ठीक है। लेकिन भाई अभी मेरे को यहाँ पे अपना काम करना है क्योंकि भैया मेरे पे भी पैसे हैं नहीं। एंड यहाँ पे जो है मेरे को इसका हाउस देखना पड़ेगा कि कहाँ से, ये देखो इसका गैराज है ना, इसके अंदर अगर हम जा सके तो भाई मजे आ जाएंगे। आराम आराम से चलते हैं, आराम आराम से काम करते हैं, एल कंट्रोल दबा के भैया हम थोड़ा वो हो जाते हैं स्टेल्थ ही चलेंगे, ठीक है। एंड मेरे हिसाब से गेट नहीं खुलेगा, नहीं खुल रहा भाई, नहीं खुल रहा ना। हाँ भाई देखो अपने प्लेयर ने पूरी जान लगाई है पर ये गेट नहीं खुल पाया हालांकि, लेकिन भाई अब क्या ही कर सकते हैं, अभी हमें कुछ ना कुछ करके। गाड़ी देखो गाइस इसी के अंदर है। एंड क्या ये गेट खुलेगा, एक बार देखूँ मैं भाई, ये तो मेन एंट्रेंस है भाई, अगर ये खुलेगा भी तो भी नहीं जाऊँगा मैं, वैसे ये भी नहीं खुल रहा, ठीक है भाई। सब लोग है भाई, सब लोग है, तुम देख रहे हो एक बात, सब कुछ लोग कर रखा है भाई बंदों ने। बाकी यार आई होप वो माफिया मेरे को देख ना ले, क्योंकि अगर उसने मेरे को देख लिया ना, अभी मेरे पास बंदूक वगैरह भी कुछ नहीं है भाई, वो सीधा मेरे को ठपका देगा भाई यहीं पर ही। बाकी यहाँ पे एक गाड़ी रखी, ये चुरा के चला जाता हूँ भाई, सिमियोन को बोल लूँगा भैया वो तो नहीं मिली तेरे को, यही दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें खुश रहे। टू रीच द ओपन विंडो क्लाइम ऑन टू द कार एंड देन ऑन टू द रूफ बाय प्रेसिंग, ओके ये तो मेरे को पता है भाई हर गेम में। ओके ओके अंदर, अरे भाई साहब अंदर गाइस यार, यहाँ पे अंदर जो है ना ये इनके घर में लड़ाई वड़ाई हो रही है। ओ भाई साहब अभी हो जाता सीन, अवॉइड अलर्टिंग द रेजिडेंट्स, आराम आराम से गाइस जाना पड़ेगा। गाइस यार यहाँ पे इसके घर में, ये तो माफिया के घर में इसकी इज्जत ही नहीं है भाई, यहाँ पे तो उसकी उसकी फैमिली लड़ाई कर रही है। और भाई साहब पीसी गेम खेल रहा है भाई ये बंदा, कोई भी कौन सी गेम है, रेजिडेंट है, रेजिडेंट टीवी लेके भाई भाई आराम आराम से यार ये बंदा, ये बिगड़ी औलाद है भाई, अपने पापा वापा के पैसे वैसे खराब कर रहा है। बाकी मेरे को यहाँ पे गाड़ी से मतलब है, ठीक है। एंड ये वाला कमरा किसका है, ये वाला कमरा तो खुल ही नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद मैं अगर ये वाला कमरा देखूँ तो नहीं 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 भाई भाई नहीं, यहाँ पे मेरे को ना थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आराम से जाएंगे भाई, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कुछ भी माफिया को पता चले भाई, वरना वो मेरी ऐसी तैसी कर देगा, पत्नी किसका घर है एक तो भाई ये। बाकी भाई साहब आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से भाई, क्या बातें कर रहे हैं मेरे को समझ ही नहीं आ रहा यार, ये क्या कर क्या रहे यहाँ पे। बाकी यही तो यही है क्या माफिया, चलो जो भी है छोड़ो अभी मेरे को अपने काम से। भाई यहाँ पे अपनी गाड़ी रखी हुई है भाई, यहाँ पे अपनी गाड़ी मिल चुकी है यार, ये कितना सही है, अपनी गाड़ी यहीं पर ही रखी हुई है। एंड भाई ये वही गाड़ी है जो अपना सिमियोन जो अपना दोस्त कहता है, यहाँ पे आप आराम से मैं निकाल सकता हूँ भाई, कितना इजी था यार ये भाई, ये मिशन कितना इजी था कसम से। पहली बात तो मैं रेडियो अच्छी बात है बंद कर दिया मैंने भाई, कितना आसान मिशन था भाई यार ये कसम से भाई, पुलिस भी नहीं पड़ी, माफिया को भी पता नहीं चला, ऐसी चुटकियों में कर दिया भाई ये मिशन तो मैंने। लेकिन चलो गाइस यार अभी जल्दी से चलते हैं, मैंने सिमियोन को फोन कर दिया है। एंड अबे यार ये अभी टुकना था क्या, तो गाइस यार मैंने यहां पे सिमियोन को फोन कर दिया, ठीक है। If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. चल चल फोन काट। ओके सो गाइस यार यहां पे जो है ना मैंने सिमियोन को फोन करके बता दिया, भैया तेरी गाड़ी जो है मैं सेफली लेकर आ रहा हूं, ये कौन, ओ शिट 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 semi automatic pushed against your skull. हो गया सीन, हो गया, look around, take me where you're going. Hey, come on man, this was a repo job.
Shit, bro. भाई माइकल का ही घर था ये. भाई ये माइकल का ही घर था. भाई ये माफिया वही माइकल ही था जिसकी वो बात. भाई साहब ये बंदा कह रहा है कि इसने मेरी भाई से खोपड़ी पे मेरी वो रख रखे यार बंदूक. ये कह रहा है कि तू जहाँ पे लेके जा रहा ना अपनी गाड़ी अभी वहीं पर ही लेके चल. मैं उस बंदे को बताऊंगा जिसने तेरे से चोरी करवाई है. भाई शिट यार. भाई ये मेरे को पेल देगा. भाई ये माइकल वैसे थोड़ा संकी दिमाग का है. मेरे को पेल देगा. It's just between him and your fucking son. बाकी गाइस आराम से चलते हैं. ठीक है. Me and Mr. Yatarian, we'll work this out. भाई आराम से जाना पड़ेगा. गाइस देखो मेरी अब मैंने यहाँ पे आपको रोक के बताता हूँ. दोबारा से मेरे को पता नहीं है गेम साउंड सही से आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी. बट मैं फिर भी रोक के आपको बता दूँ. तो भाई ये जो बंदा है ना भाई मेरे को ये कह रहा है कि भाई पहली बार तो ये इसी का माइकल का ही घर था जिससे हम अपनी जो गाड़ी चुराने आए थे. ठीक है. और दूसरी बात इसने बोला भाई ये जो गाड़ी है ना वो उसके बेटे की है. इसका बेटा लेकर आया था उसकी दुकान से. एंड ये जो गाड़ी है वो वापस ले रहा है. भाई क्या ही बंदा है वो सिमियोन. बाकी क्या कहते हैं माइकल ने कहा कि भाई तू अब सीधा वहीं पर ही चल जहाँ पे तू अभी जा रहा था. मैं उस बंदे को अच्छे से बताऊंगा. बाकी यार भाई मेरे को लेके जानी पड़ेगी गाड़ी. एंड सॉरी भाई यार गलती से देखो लग गए. ऐसे भाग भाग के मत आया करो यार रोड पे. बाकी गाइस यार अभी इसे मेरे को सर पे बंदूक रख रखी है. एंड अब अगर इस मैंने हल्की सी कोई भी साजिश करी ना भाई तो ये मेरे को सीधा टपका देने वाला है. भाई आराम आराम से चलानी पड़ेगी यार. भाई मैं कितना ईजी समझ रहा था इस मिशन को. ये ईजी नहीं था. वो जो रेड कलर का बैग था ना भाई उसमें बंदा सो रहा था. भाई ये बंदा उसमें सो रहा था. इसकी सारी प्लानिंग थी. इसे पता था भाई हम लेने आएंगे गाड़ी. भाई ये तो भाई नेक्स्ट लेवल बंदा है माइकल कसम से. भाई ये तो हमसे भी तेज निकला भाई साहब. बाकी गाइस अभी जल्दी से चलते हैं सिमियोन के पास. सिमियोन को पता नहीं है भाई अभी हम उसके लिए गाड़ी नहीं गाड़ी के अंदर एक उसके लिए प्रेजेंट लेके आ रहे हैं. भाई अभी उसका गिफ्ट जो है हम उसे देंगे ना उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी. बाकी आ चुके हैं हम यहाँ पे. ओके स्टॉप. रोक दी भाई रोक दी. बोल आगे जाके रोकू क्या. चल अच्छा यहाँ पे रोकनी है. यहाँ पे कह रहा है गाड़ी रोक दे. That the place? Yeah, this the place, man. Whoa. Okay. Drive into it. Right through the fucking window. Oh, hit fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Oh, भाई साहब. Shit, यार. I look like a fucking joke to you. भाई अभी मैंने यहाँ पे skip कर दिया. लेकिन भाई ये बंदा पता क्या कह रहा है मेरे को. माइकल कह रहा है कि भाई शांति से जो अपनी गाड़ी ना वो घुसाड़ दे भाई उसके अंदर ही घुसाड़ दे भाई उसका डीलरशिप ही तबाह कर दे. और ये बंदा कह रहा है अगर तूने ऐसा नहीं करा तो अभी यहाँ पे सारे अपनी गोलियों के राउंड जो तेरे ऊपर तेरे मुंडी में चढ़ा दूंगा. तो सॉरी सिमियोन भाई माफ कर दे. तेरा ऑफिस तबाह होने वाला है. 3-2-1 तेरी ऐसी तैसी. ओ भाई शिट यार. व्हाट द फक आर यू डूइंग. अबे भाई गलत हो गया. हम माइकल बन गए. वाओ हमें इसे बेसिकली मारना है. ठीक है. यहाँ पे बंदा गुस्सा हो चुका है सिमियोन. एंड तेरी ऐसी तैसी भाई तूने गलत गाड़ी दी हमें है. हमारी गाड़ी लेके हमारे कोई चोर दिखा रहा है. तेरी भैंस का डंडा ये ले. You recognize this car? Okay. Does it look like it's worth $5,000 a month to you? Oh, भाई साहब. ओ बेटे भाई ये माइकल भाई ये माइकल संकी है भाई. संकी कहते हैं ना मतलब क्या कहते हैं भाई. पागल है माइकल भाई. ओ भाई मार देगा क्या. रहन दे उसे यार इतना काफी है. माइकल बस कर भाई जान से मत मार दियो यार उसे. That kid might be a fucking idiot. Oh, boy, you are a fraudulent scumbag piece of shit. भाई शुक्र है छोड़ दिया इसने वरना माइकल का दिमाग खराब हो रखा था भाई कसम से. भाई ये माइकल तो है बदमाश है भाई ये तो बहुत बड़ा भाई कसम से. बाकी गाइस मैं आपको एक और चीज बताता हूँ. रुको हम माइकल में आ चुके हैं भाई है ना. हाँ भाई ये क्या बंदा है यार ये कसम से. बाकी यहाँ पे सेव कर लेते हैं. ठीक है. भाई ये क्या बंदा है भाई. ये एक्चुअली में क्या बंदा है भाई. भाई यहाँ पे जो है ना भाई पता क्या मैं आपको अभी बताता हूँ गाइस. देखो पता क्या इसके जो बेटा है ना इसकी गाड़ी थी और ये बंदे ने उसकी गाड़ी चुरा ली थी. ठीक है. मतलब क्या कहते हैं क्या सीन था. तो माइकल के घर से गाड़ी चुराने लाता है. एंड माइकल को ये बात पता थी भाई इसलिए इसने इसको कूट दिया यहीं पर. तो अच्छी बात है भाई इसने जिंदा नहीं मारा उसे वरना हो जाता भाई काम. भाई वरना काम हो जाता कसम से. बाकी गाइस यार अभी जल्दी से जो है ना मेरे को क्या कहते हैं फ्रैंकलिन का तो नहीं पता भैया वो कहाँ पे है. लेकिन अभी गाइस जल्दी से जो है ना मैं एक काम करता हूँ. एंड अभी एक काम करते हैं गाइस फटाफट से अपने माइकल के घर पे जाते हैं. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे मार्क लग रखा है. एंड देखते हैं कि भाई क्या सीन है. भाई वो बंदा क्रेजी है भाई. भाई क्या बंदा है कसम से. बाकी यहाँ पे मार्क लगा देता हूँ मैं. ठीक है. यहाँ पे अपना वे पॉइंट मैंने लगा दिया. गूगल मैप में मार्क तो कर दिया भाई.
ये क्रेजी बंदा है। यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे वैसे इसकी गाड़ी लेके जा सकता हूँ भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमियन बोलेगा तो इसकी ऐसी तैसी कर दूंगा भाई, वैसे वो अब कुछ नहीं बोलने वाला मेरे सामने भाई। पर एक बात तो है भाई, माइकल क्रेजी बंदा है भाई कसम से। भाई इसके घर में हमेशा लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, माइकल जो है यहाँ पे इससे परेशान हो रखा है भाई। माइकल जो है ना भाई अपने घर की लड़ाइयों से इतना ज़्यादा परेशान हो रखा है कि भाई मैं क्या ही बताऊँ। बंदा अपना चिल करना भाई, ये माइकल जैसा बंदा होना भाई सही बता रहा हूँ, उसे कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। अपना लीड लगाई कानों में, गाने सुन रहा है भाई बंदा। लेकिन चलो जो भी है भाई, अपना सही बंदा यार ये, क्या कहते हैं माइकल जो है, ठीक है। एंड गाइस हाँ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ भाई, मैंने ना इसका स्टार्टिंग का जो मिशन है जहाँ पे माइकल वगैरह उसके दो दोस्त और थे वो रॉबरी कर रहे थे, तो वो मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि भाई उसमें कुछ ज़्यादा खास था नहीं। मैं सीधा यहाँ पे लॉस सैंटोस में आ चुका हूँ, ठीक है भाई, जिन्हें नहीं पता। एंड यहाँ पे वो फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन कहाँ से आ गया भाई यहाँ पे? ओके सो गाइस यार यहाँ पे जो है मैंने फ्रैंकलिन से बात कर लिया, एंड मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि भाई इन दोनों की क्या बात हुई है। मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि भाई थोड़ी लंबी कन्वर्सेशन थी। तो भाई बेसिकली अपना जो फ्रैंकलिन है ना, वो इसके पास अपना माफ़ी मांगने के लिए नहीं आता, वो कह रहा है भाई मेरे को बदमाश बदमाश बनना है, मेरे को अपना नाम वाम चलाना है इस लॉस सैंटोस सिटी में, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या कहते हैं उसका, उसने सुना है कि भाई मतलब यहाँ पे बहुत सारे माफिया वगैरह होते हैं, एंड इसे पता है भाई माइकल माफिया है, तो इसे मदद लेने आया था। कह रहा था कि भाई मेरे को अपना अपने जैसे एक माफिया बना दो ताकि भाई मेरे पे भी पैसों की बारिश हो सके। मतलब भाई माइकल का घर देख के ये वो चिढ़ चुका है, ठीक है, गन्ने लगा चिढ़ा नहीं है, मतलब भाई इसकी आंखों में लालच आ चुका है, इसके मन में लालच आ चुका है बेसिकली। तो कह रहा है भाई मेरे को बदमाश बनवा दो किसी तरीके से। एंड अपना जो माइकल है उसने कहा है कि भाई देख सही बोलूँ तो यार इन सब लाइन में कुछ रखा नहीं है, यहाँ पे तू अपने लव वंस को यानी जिनसे तू बहुत प्यार करता है उन्हें भी खो सकता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि भाई मेरा कोई, फ्रैंकलिन ने कहा यार मेरा कोई लव वन है ही नहीं ऐसे ऐसे, उसने थोड़ा इमोशनल हो गया था बीच में। एंड भाई इन दी एंड यही हुआ है कि भाई फ्रैंकलिन कह रहा है मेरे को तेरे को ज्वाइन करने क्योंकि भाई तू माफिया है, एंड मेरे को पता चल चुका है। तो भाई माइकल ने कहा चलो ठीक है, एंड अभी ये दोनों दोस्त बन चुके हैं। एंड हाँ गाइस एक और बात, अभी ना मेरे को माइकल के बेटे जिमी का फ़ोन आया था, जो आपको स्टार्टिंग में दिखा नहीं था, जो प्ले स्टेशन पर गेम खेल रहा था वो बेसिकली इसका बेटा है, तो उसका फ़ोन आया था। एंड भाई वो बंदा कह रहा है कि भाई इसकी जो माइकल की याच है ना भाई यानी बोट है वो भाई चोरी हो चुकी है, एंड भाई उसे बचाने के लिए हमें जाना पड़ेगा किसी अदर गैंग के बंदों ने, माइकल से दुश्मनी उश्मनी होगी, उन्होंने चोरी कर लिया उसकी याच को, ठीक है। तो अभी हमें जल्दी से जाना पड़ेगा एंड याच को बचाना पड़ेगा। एंड मैंने भाई माइकल से, भाई माइकल ने फ्रैंकलिन से पूछा भाई तू चलेगा मेरे साथ? तो भाई फ्रैंकलिन ने बोला मैं हमेशा किसे तुम्हारे साथ ही चलूंगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी वाह ये खुल, यहाँ से क्यों नहीं खुल रहा भाई, अंदर से तो खुल जाना चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब एक काम करते गेट से ही चलते बाहर, मेन गेट से आ जाओ भाई फ्रैंकलिन। बाकी यार मेरी से बात हो चुकी है, भाई इसी गाड़ी में हमें जाना है, ठीक है, गाड़ी में बैठते अपना। ये बाय द वे इसकी वाइफ अमेंडास की कार है, अमेंडा की, ठीक है, माइकल की वाइफ की। एंड भाई आई होप भाई जो गैंग नंबर 1 ओके डोंट एवर हैव किड्स, भाई सबसे बड़ी बात यह है कि भाई कभी बच्चे मत करना यार, बच्चे तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। बाकी भाई अभी जल्दी से चलते हैं क्योंकि भाई बाकी जो गैंग मेंबर्स है ना जिन्होंने ये माइकल की याद से चोरी करी है वो निकल ना जाए भाई, मेरे को ये बाकी इसकी ऐसी तैसी, ये मेरी बोट लेके जाएंगे भाई, रुक जाओ भाई आगो बंदूक है भाई, इन्हें छोड़ूंगा नहीं मैं, ये मेरी बोट कैसे लेके जा रहे हैं भाई, एक सेकंड रुको, गेट फ्रैंकलिन क्लोज टू द याच, ठीक है। तो हमें फ्रैंकलिन को याच के पास लेके जाना है, बाकी काम फ्रैंकलिन खुद कर लेगा, ठीक है। मेरे को बस फ्रैंकलिन को याच के पास ही रखना है, ठीक है, याद रखना है मेरे को फ्रैंकलिन को याच के पास रखना है, ठीक है। बाकी हम जल्दी से इसको और याच के पास लेके जाते हैं, सीधा याच में जंप लगाएगा, ठीक है, चल चल फ्रैंकलिन चल, फ्रैंकलिन जंप लगा दे, बढ़िया बढ़िया भाई बढ़िया। बाकी यहाँ पे इसने जंप तो लगा दिया, एंड बाकी यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, ओके बढ़िया बढ़िया बढ़िया, फेंक दे उसे फेंक दे, अबे यार हट जा, अबे हट जा बेवकूफ भाई, यार ये एनपीसी भाई सारे गेम खराब करा देते यार, शिट भाई फ्रैंकलिन की ऐसी तैसी ना हो जाए यार, भाई फ्रैंकलिन की ऐसी तैसी ना हो जाए भैया, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड अभी मेरे को याच के क्लोज जाना पड़ेगा, एंड ये ले फ्रैंकलिन, ये ले, मैंने गिरा दिया इसे, तू अपना मजे कर भाई, तू मजे कर अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पे भाई मेरी बोट को तेरी ऐसी तैसी, ये ले भाई मार दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। फ्रैंकलिन तू नहीं भाई, जल्दी 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 फ्रैंकलिन, आराम से गिरियो मत भाई, बिल्कुल भी गिरियो मत भाई, फ्रैंकलिन के डेयरिंग बंदा है भाई कसम से, ऐसी भी बात नहीं है
बाकी इसका बेटा कहाँ पे? बेटा ये रहा इसका बेटा, ठीक है, ये जिमी है। एंड जिमी आ जा, जिमी 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 जल्दी यहाँ पे जंप कर, यहाँ पे जंप कर जिमी। अबे कूद जा मेरे भाई, कैच जिमी भाई, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। बढ़िया 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 भाई बढ़िया। अभी इसे बता दो मैं, एरिया ऐसी तैसी, आया मजा। फ्रैंकलिन को मारेगा, दोस्त है वो मेरा बहुत अच्छा लगा। बाकी भाई फ्रैंकलिन को भी लेना पड़ेगा, जल्दी से आ जा फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन जल्दी आ जा। अबे फ्रैंकलिन आना क्या करता है मेरे भाई, ओ भाई जल्दी फ्रैंकलिन जल्दी आ, जल्दी आ फ्रैंकलिन फटाफट आ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, अभी इन्हें पकड़ते हैं, अभी इनकी ऐसी तैसी करते हैं। बाकी फ्रैंकलिन को जो है अपनी गाड़ी पे से ये खुद ही बैठ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एंड भाई अब इनकी बोट को मैं छोड़ने नहीं वाला। ओ भाई शिट, अभी ये गाड़ी खराब हो गई हमारी यार, एक सेकेंड भाई गाड़ी खराब हो गई भाई। यस भाई भाई यही तो चाहिए था भाई, यस ये यही तो चाहिए था भाई, अपनी गाड़ी खराब होती यही तो चाहिए था यार। शिट भाई, भाई क्या यार, at least you still got a son. Hey, it's a chop shop back there, dog. Okay, so guys, यार यहाँ पे जो है ना हम पहुँचने ही वाले हैं, ठीक है, अपना लॉस सैंटोस कस्टम पे। एंड जो अपना फ्रैंकलिन है ना, उसने माइकल के लिए कैब भी बुक कर दी है। एंड भाई आपको मैं एक बार बताऊँ, पूरे रास्ते भाई इसका बेटा जो है ना जिमी भाई, उसे बिल्कुल भी तमीज नहीं है। एक तो उसकी वजह से याद जो भाई ऐसी तैसी हो गई, एंड वो अपने पापा से ही भाई मतलब लड़ाई झगड़ा कर रहा है पूरे रास्ते, दोनों लड़ते हुए आया। एंड भाई माइकल की बात सही थी। बाकी यहाँ पे जो हम पहुंच चुके हैं, एंड यहाँ पे गाड़ी जो रुकती है, एंड फ्रैंकलिन जो है गाड़ी सही करा लाएगा, माइकल अपने घर चला जाएगा। माइकल अपने घर चल जाएगा, एंड फ्रैंकलिन अपनी गाड़ी जो है एकदम सही करा के उसके घर छोड़ देगा, ठीक है। एंड यहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत तो बन गई भाई माइकल और फ्रैंकलिन की, जो कि मैं चाहता था भाई, ये अच्छी बात है भाई, इनकी बातचीत तो बन गई, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है अपना ये बेसिकली लॉस सैंटोस कस्टम्स है, जहाँ पे अपनी हम गाड़ियाँ जो अगर ख़राब हो रखी है उन्हें सही करा सकते हैं, या फिर भाई अगर उनका GPS वगैरह कुछ इंस्टॉल हो रखा है तो वो भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो अभी जल्दी से काम करते हैं, अंदर चलते हैं। ओके सो गाइस, यार आपने अभी यहाँ पे देख ही लिया होगा भाई कैसे फ्रैंकलिन ने माइकल की मदद करी थी। एंड ये दोनों जो है बहुत अच्छे वाले, मतलब अच्छे वाले तो नहीं है, मतलब ठीक ठाक दोस्त बन चुके हैं, मतलब काम आ जाएंगे एक दूसरे के। तो भाई यार अगर आज की वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को भी ऑल पे दबा देना, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से आ जाए, मिस ना हो। एंड आज का एपिसोड आपको कैसा लगा आप मेरे को कमेंट में जरूर से बता देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।